Hail India students, Kidzi Mansa welcomes you in Hindi language time. Little gems, आप सबने हमारी पिछली वीडियो में हिंदी के पहले स्वर अ को अपनी नोटबुक में लिखना सीख लिया है और आज की इस वीडियो में हम हिंदी के दूसरे स्वर आ को अपनी नोटबुक में लिखना सीखेंगे। लिखना सीखने से पहले हम आ से जुड़े हुए शब्दों को रिवाइज करेंगे। और लिटिल चैम्स, आप सब ने मैम के साथ आ से जुड़े हुए शब्दों को रिवाइज करना है। रेडी? ओके। आ से आम, आ से आम, आ से आलू, आ से आलू। वेरी गुड। आ से आग, आ से आग, आ से आसमान, आ से आसमान। वेरी नाइस स्टूडेंट्स। सो लिटिल चैम्स, लिखना शुरू करने से पहले आप सबने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी पेंसिल ब्लू लाइंस से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब हम आ को बनाना शुरू करते हैं। आ को बनाने के लिए हम फर्स्ट ब्लू लाइन के थोड़ा सा नीचे एक छोटा सा डॉट लगाएंगे और यहीं से हम एक लेफ्ट साइडेड कर्व बनाना शुरू करेंगे जो फर्स्ट ब्लू लाइन को टच करते हुए सेकंड ब्लू लाइन पर ख़त्म होगी। अब हम यहीं से एक और लेफ्ट साइडेड कर्व बनाना शुरू करेंगे जो थर्ड ब्लू लाइन को टच करते हुए सेकंड ब्लू लाइन पर ख़त्म होगी। अब हम सेकंड ब्लू लाइन के ऊपर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन लगाएंगे और इसे कंटिन्यू करते हुए इस पर स्टैंडिंग लाइन बनाना शुरू करेंगे जो फर्स्ट ब्लू लाइन को टच करेगी। अब हम इस स्टैंडिंग लाइन को रिपीट करते हुए इसे नीचे की तरफ लाएंगे जो थर्ड ब्लू लाइन पर ख़त्म होगी। अब हम इस स्टैंडिंग लाइन के थोड़ा सा दूर एक और स्टैंडिंग लाइन बनाना शुरू करेंगे जो फर्स्ट ब्लू लाइन से शुरू होकर थर्ड ब्लू लाइन तक ख़त्म होगी। अब हम इन दोनों स्टैंडिंग लाइंस के ऊपर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन लगाएंगे। बच्चों, आप सब ने इस बात का ध्यान रखना है कि इस स्लीपिंग लाइन को हम इस कर्व के साथ टच नहीं करेंगे। आपका आ रेडी है। एक बार फिर से देखिए, आ को बनाने के लिए हम फर्स्ट ब्लू लाइन के थोड़ा सा नीचे एक छोटा सा डॉट लगाएंगे और यहीं से हम एक लेफ्ट साइडेड कर्व बनाना शुरू करेंगे जो फर्स्ट ब्लू लाइन को टच करते हुए सेकंड ब्लू लाइन पर ख़त्म होगी। अब हम यहीं से एक और लेफ्ट साइडेड कर्व बनाना शुरू करेंगे
जो थर्ड ब्लू लाइन को टच करते हुए सेकंड ब्लू लाइन पर ख़त्म होगी। अब हम सेकंड ब्लू लाइन के ऊपर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन लगाएंगे और इसे कंटिन्यू करते हुए इस पर स्टैंडिंग लाइन बनाना शुरू करेंगे जो फर्स्ट ब्लू लाइन को टच करेगी। अब हम इस स्टैंडिंग लाइन को रिपीट करते हुए इसे नीचे की तरफ लाएंगे जो थर्ड ब्लू लाइन पर ख़त्म होगी। अब हम इस स्टैंडिंग लाइन के थोड़ा सा दूर एक और स्टैंडिंग लाइन बनाना शुरू करेंगे जो फर्स्ट ब्लू लाइन से शुरू होकर थर्ड ब्लू लाइन तक ख़त्म होगी। अब हम इन दोनों स्टैंडिंग लाइंस के ऊपर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन लगाएंगे। बच्चों, आप सब ने इस बात का ध्यान रखना है कि इस स्लीपिंग लाइन को हम इस कर्व के साथ टच नहीं करेंगे। आपका आ रेडी है। सो लिटिल चैम्स, मुझे उम्मीद है आप सब हिंदी के दूसरे स्वर को अपनी नोटबुक में लिखना सीख चुके हो। बाय बाय।